हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ग्रिल सैंडविचेस। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, टमाटो फाइनली चॉप्ड 1, और हम लेंगे तंदूरी मेयो वीबा की लिए हमने, और हमने एगलेस मेयोनेज ली है, और हम 2 फाइनली चॉप्ड अनियन काट के रख लेंगे, और हमने एक सॉस भी बनाई थी उसकी मिक्सचर बनाने का हम बता देंगे आपको। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हेलो गाइस, ये टिप्स और रेसिपीज आप सब के लिए। आई होप आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगे। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। जब हमने 2 बड़े स्लाइसेस लिए हैं, उसमें हमने मेयोनेज लगा दिए, अच्छे से स्प्रेड कर दिए। 2 टाइप के बनाएंगे हम, एक तंदूरी वाली, एक बिना तंदूरी वाली, और दोनों साइड में हम मेयोनेज लगा देंगे। अब हमने इसमें तंदूरी सॉस लगा दी है, अच्छे से स्प्रेड कर दिए एक साइड, और अनियन बेस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके लगा दिए हैं। अब दूसरे वाले में हमने सिर्फ मेयोनेज रखी है, उसके ऊपर अनियन काट के लगा दिए। अब हमने क्लोज कर दिया है अच्छे से, और थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि थोड़ा जुड़ जाए अच्छे से। आप देख सकते हो। अब हम लेंगे तवा, उसमें अच्छे से आप बटर लगा लो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बटर था नहीं, तो मैंने घी यूज़ किया है। घी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बटर भी लगा सकते अच्छे से। इसमें ऑयल बहुत कम लगता है, मतलब बटर बहुत कम लगता है। देखते हो आप कितना कम लगा है। अब हम दोनों ब्रेड अच्छे से लगा लेंगे, और उसके ऊपर के साइड भी अच्छे से बटर या घी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा देर रखेंगे उसे, ताकि और बिल्कुल ये जो भी हम कुकिंग करेंगे बिल्कुल माइल्ड फ्लेम में करेंगे, बिल्कुल कम, वरना क्रिस्पी नहीं होता है। ये घी ले रखा है मैंने, मैं घी में कुक कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना एक साइड का क्रिस्पी हो चुका है, साइड जो उसकी क्रिस्पी हो रही है। इतने कम उसमें इतना ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, चारों साइड से अच्छे से ब्राउन हो गया। थोड़ा प्रेस करेंगे, प्रेस करने से नीचे की साइड अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी, उसकी कॉर्नर की साइड क्रिस्पी हो जाएंगी, और सैंडविच अच्छे से मिक्स हो जाएगा अंदर से भी, और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हम देख सकते हो अच्छे से कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन गोल्डन। गाइस, अब हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, और हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, मेरा तरीका डिफरेंट है। ब्रेड पहले हम ब्रेड उसमें लगाएंगे, उसमें मेयोनेज़, उससे क्रीमी टेक्सचर आता है। अच्छा, और ये जो सॉस बनाई है मैंने, और ये जो मैंने सॉस ली हुई है, अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अगर आपको कम सॉस ही पसंद है, आप कम सॉस लगा सकते हो। ज़्यादा सॉस ही पसंद है तो ज़्यादा सॉस लगा सकते हो। ये लगाइए मैंने सॉस। ये हमारे सैंडविच बनके रेडी हो गए हैं। ये है मेयोनेज वाला सैंडविच। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है ये, कितना अच्छे से हर जगह से क्रिस्प हो गया है। और ये है तंदूरी मेयो वाला, जिसको प्रॉपर जल्दी बनने वाला स्नैक, ना ज़्यादा मेहनत करो और टेस्टी सा, और ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती है। ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, दोनों में बस कलर डिफरेंस होता है। देख सकते हो आप कितना टेस्टी लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ सॉस बनाते कैसे है। हम थोड़ा लेंगे टमाटो सॉस, थोड़ा लेंगे शेजवान सॉस,
और लेंगे चिली सॉस, रेड चिली सॉस होता है, दो दो टेबलस्पून हर तीनों के डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ऑरिगेनो डाल लेंगे और थोड़ा रेड चिली फ्लेक्स, और आपकी सॉस रेडी जो हमने इस पर लगाई है। अब इस पर हम लगाएंगे अनियन अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर देंगे, रख देंगे अनियन अच्छे से लगा के। थोड़े से टमाटो, टमाटो जिसको पसंद है वो टमाटो डाल सकता है, जिसको टमाटो नहीं पसंद वो कैप्सिकम भी यूज़ कर सकता है वाइट। जो मर्जी आप वेजिटेबल इस पर यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है, मुझे अनियन और टमाटो ही सही लगता है तो मैंने यही यूज़ किया है। तो हम इसे अच्छे से लगा लेंगे, बेड बना लेंगे अनियन और टमाटो का। अब थोड़ी सी वही सॉस ऊपर थोड़ी ड्रिजल करेंगे, आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, कब आप। हम इसमें ये चीज़ मोज़रेला चेडर चीज़ आती है, मेरे पास दोनों का मिक्सचर वाली थी तो मैंने दोनों शेव करके अच्छे से डाल रख दिए, पूरी स्प्रेड कर दिए, बेड बना के रख दिया। अब हम इसको तवे में रखेंगे, ये ऐसा दिख रहा है कुछ, अब हम इसे तवे में रखेंगे। कुछ आपको ऊपर से ढकाने को चाहिए, मैंने ये पैन यूज़ करा है, मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो और नीचे से क्रिस्पी हो जाए अच्छा सा। तो ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो आप उसे अच्छे से सजा के थोड़ा ऑरिगैनो थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल के सर्व कर सकते हो अपने लव्ड वंस को, फैमिली को, जिसको भी, खुद के लिए। गाइस मेरी रेसिपी थी, प्लीज़।